दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। आज की मैं आपको खबर बता दूं दिन भर की। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में आज बड़ी फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के आधार पर इस मामले को सुलझाया जाए और मध्यस्थता फैजाबाद में होगी, गुप्त रखी जाएगी, प्रेस तक को इस बात की सूचना नहीं दी जाएगी और 4 हफ्ते का समय दिया गया है और उसमें रिटायर्ड एक जस्टिस और एक वकील होंगे, एक और व्यक्ति, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और मध्यस्थता के आधार पर इस मामले को 4 हफ्ते में सुलझाने की आदेश पारित करी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ओबैसी ने कहा कि मध्यस्थता कमेटी को निष्पक्ष होकर बात करनी होगी और निष्पक्ष भाव से मध्यस्थता का मामला निपटाना होगा, क्योंकि मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व में कुछ आपत्तिजनक बातें करी थी, लेकिन मैं मानता हूं कि जब वो मध्यस्थता करेंगे तो उन सारी बातों को अपने जहन से निकाल कर मध्यस्थता करेंगे। अब चुनाव सामने है, सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट फैसला नहीं आया, अब मध्यस्थता फैजाबाद में होगी, उसके बाद फिर रिपोर्ट सबमिट होगा, फिर कोर्ट का फैसला आवेगा। दूसरी बात मैं बताऊं कि शत्रुघ्न सिन्हा जो भाजपा के सांसद हैं और बागी हैं भाजपा से, वो राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर तेजस्वी राबड़ी से घंटों मुलाकात किया और मुलाकात के बाद उन्होंने जब बाहर निकला तो पत्रकारों से कहा कि मैं पटना साहिब से ही चुनाव लड़ूंगा और मेरा पहला च्वाइस वही है, और ऐसा स्पष्ट लगता है कि चुनाव वो लड़ेंगे, भाजपा के बागी हैं और बराबर वो पीएम मोदी पर अपनी बातें रखते हैं, तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने की संभावना लगती है। जब प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मोदी जो कप्तान हैं, लोगों की तालियां अगर सुनते हैं तो गालियां भी उन्हें ही खाना होगा, यह भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पूर्ण याचिका दाखिल हुआ और जब बात हुई तो रक्षा मंत्रालय से फाइल गायब होने की बात कही गई, चोरी होने की बात कही गई, जिसकी जांच चल रही है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यह झूठ है सरासर। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि रक्षा मंत्रालय से फाइल गायब हो जाना या चोरी हो जाना बड़ा हास्यप्रद है, विश्वास करने योग्य बात नहीं है, इस पर प्रधानमंत्री जी को बोलना होगा कि आखिर फाइल गया तो गया कहाँ, उतनी सिक्योरिटी के अंदर में रक्षा मंत्रालय, और उससे फाइल गायब हो जाना बड़ा हास्यप्रद बात है। अब मैं तीसरी बात आपको बताऊं कि जदयू में जबरदस्त खींचातानी है, जैसे कोई इंसान अगर मछली खा ले और कांटा अगर गले में फंस जाए तो बड़ी परेशानी होती है कांटा निकालने में, उसी प्रकार जदयू में एंट्री होता है प्रशांत किशोर का, जो खुद बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है और द्वितीय स्थान रखते हैं पार्टी में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, और नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने कहा कि जब वो राजद गठबंधन से अलग हुए तो उन्हें मैंडेट लेना चाहिए, वो उनका निर्णय था, लेकिन उसमें कुछ सोच विचार होनी चाहिए तब अलग होना चाहिए, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी अलग हुए तो फिर जनता के बीच जाकर वोट लेके चुनाव जीत कर क्यों नहीं आए। इस बात के बाद एक और घटनाक्रम होती है कि वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे से भी जाके पीके मिलते हैं। इन सारे बातों से कहीं न कहीं
जनता दल यूनाइटेड में खींचातानी चल रहा है। प्रवक्ता जनता दल के नीरज कुमार भी नाराज हैं और भी आरसीपी सिंह वगैरह बहुत सारे लोग नाराज हैं। कहने का तात्पर्य यह होता है कि पीके आ तो गए लेकिन पीके पच नहीं रहे हैं पार्टी के और गद्दावर नेताओं को, और पार्टी के अंदर में भीतर भीतर बहुत ज्यादा तानातानी और टूट की संभावना है। पार्टी के अंदर में कुछ अच्छा नहीं है ऐसा ही लगता है। पीके के बढ़ते हुए कद या पीके के प्रभाव, पीके ने कहा कि हमने पीएम और सीएम बनाया, अब मैं युवाओं को एमएलए और एमपी बनाऊंगा, इस तरह की बात करने से नाराजगी तो बनती है लोगों के बीच में। तो मैंने आपको ये समाचार दिया जो मुख्य समाचार था। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।